हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूं गाइस। तो आज हम बात करेंगे कि इसमें हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी बात करेंगे कि कितना कट ऑफ जो है वो JKSSB FAA के एग्ज़ाम का जा सकता है, और दूसरा हम इसमें ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो JKSSB ने गलत जो है वो दिए हैं की में, तो उनके ऊपर बात करेंगे जिसके ऊपर आप रिप्रेजेंटेशन लगा सको। तो सबसे पहले गाइस बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन जो है कैश डिपॉजिटेड इज शोन एज, तो इसका आंसर जो था क्रेडिट आना चाहिए था, लेकिन JKSSB ने इसका डेबिट आंसर दिया है। तो इस क्वेश्चन को भी आप जो है रिप्रेजेंटेशन मार्क करें, आपको इसका जो है 1.25 मार्क्स जो है वो डेफिनेटली जो है वो मिल जाएगा। बाकी अगर इसकी बात करें इस क्वेश्चन की, तो डिपॉजिट इन ट्रांजिट की बात करें तो इसके दो ऑप्शन करेक्ट हैं, एडिड टू बैंक बैलेंस एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके जो हैं करेक्ट होने वाले हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में इसका राइट आंसर जो है वो है सी पार्ट, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड साइन बाय प्रेसिडेंट, लेकिन JKSSB ने इसका आंसर जो है वो दिया है प्राइम मिनिस्टर, तो ये गलत है। ये भी अगर रिप्रेजेंटेशन आप डालोगे तो इसका राइट आंसर आपको जो है वो मिल जाएगा। तो अगर इसके बाद बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका राइट आंसर जो है वो रहने वाला है 60%, बल्कि वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपका डिस्कार्ड होगा, सबको ग्रेस मार्क इसका मिल जाएगा 1 मार्क्स। इसकी बात करें तो इसका आंसर जो है वो 7500 रहने वाला है, बल्कि ऑप्शन में 3000 दिया है, तो ये क्वेश्चन भी आप जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका भी आपको 1.25 जो है मार्क्स जो है वो मिल जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें तो ये आपके क्वेश्चन हैं कुछ, अगर बात करें इंग्लिश की तो एगोनी की बात करें तो एगोनी के, अगर एंटानियम की बात करें तो ये तीनों जो हैं करेक्ट रहते हैं, प्लेजर, ब्लिस और एक्सटेसी, तो इसके ऊपर भी आप जो है रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो। उसके अलावा इसकी अगर बात करें तो ये JKSSB से टाइपिंग एरर हुआ है, आर ट्री फ्राम नहीं होता, आर फ्री फ्राम था यहाँ पर, तो जिसकी वजह से ये क्वेश्चन भी JKSSB को डेफिनेटली जो है वो डिस्कार्ड करना चाहिए, क्योंकि सेंस बदल जाती है, बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ जिसकी वजह से पेपर में, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली जो है JKSSB को डिस्कार्ड करना चाहिए, और मेरे हिसाब से ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी JKSSB को डिस्कार्ड कर देना चाहिए। आगे अगर बात करेंगे इसके अलावा इस क्वेश्चन की बात करें तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, JKSSB ने अगर इसको बात करें तो इसके पी क्यू और एस ये तीनों जो है करेक्ट है, लेकिन पी क्यू एस ऑप्शन नहीं है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट पी एंड एस कह सकते हैं, लेकिन फिर भी पी एंड एस JKSSB इसका ऑप्शन जो है डेफिनेटली करेक्ट कर लेगी, तो इसका ए पार्ट राइट आंसर होगा, लेकिन JKSSB ने एट प्रेजेंट इसका एस आंसर दिया हुआ है, तो इसको भी आप जो है रिप्रेजेंटेशन इसकी फाइल करें। बाकी अगर इसकी बात करें तो ये क्वेश्चन जो है JKSSB ने, ये भी एम्बिगुअस क्वेश्चन है, इसका भी राइट आंसर जो है ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी JKSSB की तरफ से गलत है। बाकी अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये आंसर जो है इसका √5 आंसर आना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि ये ठीक है, इसका आंसर जो है 20 आना चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन जो है ये इसका वैलिड प्रूफ कहीं से अगर मिले तो उसके बाद ही आप इसको फाइल करें, वरना ये क्वेश्चन जो है JKSSB की विल पे ही चलेगा। बाकी आप इसका देख लें, ये भी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये भी जो है डाउटफुल ही है क्वेश्चन। उसके बाद अगर बात करें इस क्वेश्चन के मैथ की, तो ये चीज़ यहाँ पे JKSSB हमें समझाएगी, ये क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू आर डैश डी या ओब्लिक डी जिसको कह सकते हैं आप, ये क्या है यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आई है बच्चों को कि आर डैश डी इसका क्या मतलब है, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को भी JKSSB को डिस्कार्ड करना चाहिए, आर ओब्लिक डी का कोई पतला यहाँ पे नहीं लगाया कि ये क्या चीज़ है, इसकी कोई समझ नहीं आई है, ये माइनस है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, यहाँ कुछ भी पता इसका नहीं है। उसके अलावा अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में भी जो है यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 to −∞ इसकी जो थी वो रेंज थी, तो यहाँ पे ये चीज़ गलत दी हुई है, तो जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को भी JKSSB को जो है वो डिस्कार्ड करना चाहिए। तो नेक्स्ट अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो काफ़ी एम्बिग्यूस क्वेश्चन था ये, बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूस क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमने जी इसका लद्दाख लगाया है क्योंकि उस साइड से भी गेटवे है, कुछ बोल रहे हैं जी हमने जम्मू नहीं लगाया है, और कुछ बोल रहे हैं कि इसका नन ऑफ द अबोव है क्योंकि गेटवे तो कठुआ को भी बोलते हैं और गेटवे जो है वो बनिहाल को भी बोलते हैं, बारामूला को बोलते हैं, तो ये काफ़ी एम्बिगुअस क्वेश्चन है और JKSSB को डेफिनेटली इसको भी डिस्कार्ड जो है वो कर देना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें ये क्वेश्चन, तो ये डेफिनेटली JKSSB ने ए एंड बी दिया है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबोव है, तीनों स्टेटमेंट्स जो है ये करेक्ट हैं। तो ये हैं आपके सारे क्वेश्चंस जिनके ऊपर जो है ये काफ़ी रॉन्ग आंसर्स हैं। बाकी अगर कट ऑफ की इस वक्त की बात करें, एट प्रेजेंट जो कट ऑफ है, कट ऑफ इस वक्त करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि 10 क्वेश्चंस की यहाँ पे गेम है। अगर टोटल यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तो लगभग 13 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, 13 से 14 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऊपर JKSSB को जो है कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। तो अगर 13 क्वेश्चंस पेपर में सपोज़ ये कुछ डिलीट हो जाते हैं और कुछ जो है उनके ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं, तो 13 क्वेश्चन चेंज होने की वजह से लगभग अगर बात करें तो 16 से 17 नंबर का चेंज जो है पेपर में आने वाला है। तो अभी कट ऑफ प्रिडिक्शन करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जिन भी बच्चों के 80 प्लस मार्क्स हैं वो ओपन मेरिट की बात कर रहा हूँ, जिनके भी 80 प्लस हैं ओपन मेरिट में वो कहीं ना कहीं रेस में हैं, उनको ये रिप्रेजेंटेशन फाइल करनी चाहिए। तो 80 मार्क्स जिसने इस पेपर में लिए हैं अच्छे हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के बाद उनका स्कोर जो है वो डेफिनेटली ऊपर जा सकता है। ये लगभग 13-14 क्वेश्चंस हैं, लगभग अगर एक आधा शायद मेरे से छूट गया होगा, अभी एक दो क्वेश्चन और भी जो है वो कह रहे हैं, तो लगभग 15 क्वेश्चन ऐसे हैं पेपर में जिनके ऊपर कोई जो है कहीं ना कहीं एरर देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा चेंज जो है आंसर की के बाद देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। बाकी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें काफ़ी, वहाँ पे हम चेक करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो है और भी क्वेश्चन जो है वो गलत होंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।